तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन हैंग करता है ना या लैग करता है तो इस चार सेटिंग को दोस्तों अगर आप ऑन और ऑफ कर देते हैं तो लाइफ में कभी भी आपका फोन हैंग ना करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कोई भी कंपनी का फोन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चारों सेटिंग जो हम आपको बताएंगे ना जबरदस्त, वो चारों का चारों सेटिंग सभी फोन में दिया हुआ रहता है। और कंपनी खुद बोलता है कि अगर आपका फोन पुराना पड़ रहा है ना तो ये चार सेटिंग को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपका फोन हैंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपका फोन सच में हैंग कर रहा है या किसी आपके दोस्त का भी फोन हैंग कर रहा है ना, तो वहाँ पे आप उस चार सेटिंग को ऑन ऑफ करने से ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल फास्ट चलेगा, मक्खन की तरह आपका फोन चलेगा। तो वो कौन सा सेटिंग है ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं जिससे आपका फोन हैंग होने से बच सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कीजिएगा ना, इस तरह से स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे सभी के फ़ोन में ना लोकेशन ऑन रहता है, आप ही आपके भी फ़ोन में यहाँ पे लोकेशन ऑन रहेगा। तो अब आपको करना क्या होगा, ये जो लोकेशन वाला ऑप्शन है जिसपे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, ठीक है, थोड़ा देर दबा के रखना होगा। इसे ऑन ऑफ करने से ये ऑन ऑफ होता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो आपके सामने एक सेटिंग निकल के सामने आ जाएगा इसके अंदर में। तो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इम्प्रूव एक्यूरेसी है जिसपे आपको टच करना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको आपके फोन में ऑन रहता है शुरू में, वाईफाई स्क्रीन और ब्लूटूथ स्क्रीन। तो आपको ये दोनों यहाँ पे ना ऑन रहेगा तो ऑफ करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो मोबाइल है ना वो अंदर से जब भी लोकेशन ऑन रहेगा ना तो ये स्कैनिंग वाईफाई नहीं करेगा, ब्लूटूथ स्कैनिंग नहीं करेगा, जिससे दोस्तों आपका फोन ना यहाँ पे बच सकता है और हैंगिंग होने से रुक सकता है। और साथ ही दोस्तों, ये ऑफ करने से दूसरा फायदा ये रहता है कि अगर आपका लोकेशन ऑन रहेगा ना तो कोई व्यक्ति ट्रेस नहीं कर पाएगा, आपके लोकेशन को सर्च नहीं कर पाएगा कि कहाँ पे है ना, ये इसका डबल फायदा भी है। तो ये ऑफ करके रखेगा, ये पहला सेटिंग है दोस्तों, जिससे ऑफ कर देते हैं तो साफ साफ यहाँ पे ना फोन हैंग नहीं होगा। अब दोस्तों दूसरे सेटिंग के बारे में बात करते हैं कि आप अपने फोन को हैंग होने से कैसे बचाइएगा। दोस्तों, अगर आपका फोन स्लो चल रहा है ना, बिल्कुल स्लो, कोई भी चीज़ को इस तरह स्लाइड करते हैं टिपटे तो एकदम स्लो में आता है, तो उसको फास्ट करने के लिए दोस्तों आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा। सबसे नीचे में आइएगा ना तो एक सेटिंग रहता है डोप्लर ऑप्शन, ये दोस्तों आप इन बोल्ड नंबर होता है जो रेडमी का फोन रखता है, उसको अगर 7 बार दबाएगा तो ये ऑप्शन चालू होता है। तो आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे में आना है, सबसे नीचे में आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आइएगा ना तो यहाँ पे एक सेटिंग निकल के सामने आता है, ये चीज, ये जो देख रहे हैं विंडो एनिमेशन स्केल, तो आपको इस पर टच करना है, ऑफ कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्केल है, इसको ऑफ करना है, ये इसको ऑफ करना है, उसका दोस्तों यहाँ पे ये इसको छोड़ देना है। ये ऑफ करने से देखिए आपका फोन कितना फास्ट हो गया, ये देखिए, ये देख रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डाटा को ऑन करता हूँ, ये देखिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, ये देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं, आपका फोन इससे बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड ट्रिक था। अब दोस्तों थर्ड ट्रिक के बारे में बात करते हैं जिससे आपका फोन हैंग नहीं होगा और लाइफ में कभी भी हैंग नहीं होगा। लेकिन दोस्तों थर्ड ट्रिक के बारे में बात करें उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फोन कौन सा कंपनी का है। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे थर्ड ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों का फोन में तो प्ले स्टोर होगा ही होगा और प्ले स्टोर का इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन दोस्तों इसी के अंदर में एक सेटिंग छिपा हुआ रहता है जिससे आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, इस ये जो देख रहे हैं लोगो साइन इन किए हुए उस पर आपको टच करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर टच कीजिएगा ना तो यहाँ पे एक सेटिंग निकल के सामने आता है, ये जो सेटिंग देख रहे हैं इसको आपको ओपन करना है। जब इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे टच करना है दोस्तों, ऑटो यहाँ पे है ना तो डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे यहाँ पे टच करना है। उसके बाद दोस्तों ऑटो प्ले वीडियो जिस पे टच करेगा डोंट ऑटो प्ले वीडियो पर, आपको इस दोनों में कोनों में रहेगा तो डोंट ऑटो पर करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके प्ले स्टोर में ना ऑटो ऑटोमेटिक कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगा, जिससे आपका फोन हैंग होने से बचता है ये दो सेटिंग करने से। ठीक है, तो दोस्तों ये थर्ड ट्रिक था। अब दोस्तों लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे बिना देखे ना जाइएगा, नहीं तो आपका फोन बीच ही में हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो चार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चारों का चारों यहाँ पे ना फोन हैंगिंग के लेकर है, बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक है। तो जो लास्ट ट्रिक है ना दोस्तों,
ये दोस्तों आपके फोन को हैंग होने से बिल्कुल बचा सकता है। अब दोस्तों ये कौन सा ट्रिक है, इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में चले जाना होगा। जब आप अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा ना, तो नीचे में आएगा तो दोस्तों एक सेटिंग करके सामने आएगा बैटरी एंड डिवाइस हियर। और दोस्तों आपको अपने फोन को बार बार यानी रोज एक दिन अतरा के अपने फोन को ऑप्टिमाइज यहाँ से करना होगा। ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है दोस्तों, कोई भी काम रहता है ना अंदर में वो फंसा हुआ रहता है वो पूरा होता है। और ऑप्टिमाइज करते हैं डिवाइस केयर है तो यहाँ पे 100% होगा, 100% आपको होने देना है और डन कर देना। ये आपको रोज करना है एक बार, ठीक है, जिससे आपका फोन यहाँ पे गुड हो जाएगा। ठीक है, सर्विसिंग जो जैसे बोलते हैं गाड़ी का सर्विसिंग, इस तरह से आपका फोन को सर्विसिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चार सेटिंग आपको कैसा लगा और इस चारों सेटिंग के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था।